अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरा आज का जो ये व्लॉग है, ये मैंने रिकॉर्ड तो काफ़ी दिन पहले किया था, बट मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी और पोस्ट नहीं कर पाई। ये जो व्लॉग है ये बहुत ही रैंडमली लिया गया है। एक्चुअली हम लोग शादी में आए हुए थे, सभी हमारे कज़न लोग, और ऐसे ही अचानक से बैठे बैठे रात में करीब 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो हम सबको चाय पीनी है, और इसलिए हम लोग सब निकल पड़े थे मरीन ड्राइव की तरफ। मरीन ड्राइव सुन के कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि हम बॉम्बे पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पट्टा ही में हैं और ये मरीन ड्राइव पट्टा में बना है, और जिस सड़क से हम मरीन ड्राइव जा रहे थे वो था अटल पथ। ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पटना में ऐसी सड़क मैंने पहली बार देखी और मुझे ये एहसास हुआ कि पटना में भी ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो सकती हैं, और रात में इन सड़कों पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा होता है जबकि ट्रैफिक बहुत ही कम होता है। तो आप आराम से यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये लीजिए, हम सब पहुँच चुके थे मरीन ड्राइव, और देखिए यहीं से दुकानें शुरू हो जाती हैं। जाने कितने ही वेंडर यहाँ पे अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे होते हैं। और ये देखिए, रात के करीब 11 बज रहे थे और उसके बावजूद भी हमें पार्किंग के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी। तो मरीन ड्राइव, अगर मैं सच कहूँ तो वो रात में घूमने की ही एक जगह है जहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं, और पटना में नाइट लाइफ की शुरुआत अब जाके हो रही है तो अच्छा है लोगों के लिए। और ये देखिए, हम पार्क करके आ चुके थे और यहाँ से शुरू हो चुका था मरीन ड्राइव का हमारा सफ़र, जहाँ पे हर तरह के अलग अलग वेंडर्स थे। यहाँ पे कारें थी, खिलौने बेचे जा रहे थे, खाने पीने के अलग अलग दुकानें थी, मतलब काफ़ी कुछ था और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, एक तरफ ये गंगा नदी है और दूसरी तरफ ये मरीन ड्राइव बना हुआ है। तो बस ये बहुत कुछ बॉम्बे को कॉपी किया गया है। आप नदी मामा से मेरे व्लॉग में मिल चुके हैं, और ये है मामी, काजल मामी। घोड़े वाले अपने घोड़ों को लेके खड़े थे ताकि उसकी घोड़सवारी की जाए, साथ ही साथ बच्चे, कुछ बच्चे कार चला रहे थे। ये सब मेरी कजन्स हैं, तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। When आप फैमिली के साथ होते हो then you enjoy a lot। घूमने के साथ साथ अब बारी थी कुछ खाने पीने की, और ये देखिए तभी आ गया था पाइपिंग हॉट मोमोज, इट वॉज टू यमी। इस तरह का जोन हर एक शहर में होना चाहिए जहाँ पे वेंडर्स फ्रीली अपने सामान को बेच सकते हैं और लोग भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और जो भी मन करे वो खा पी सकते हैं और फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त, एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और ये देखिए, अब बारी आ गई थी गुपचुप खाने की। गुपचुप वाले भैया के सामने हम सब अपने अपने दोने लेकर ऐसे खड़े थे और उसका इंतजार। जो बिहार में गुपचुप होता है उसमें ज्यादातर ये लोग मटर के जो छोले को भर के और उसमें फिर पानी भर के देते हैं, जो जिसका अलग ही टेस्ट होता है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहे थे। हमें
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जैसे बच्चों के लिए शायद कुछ कर पाए और इनकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। और इनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ना चाहते हुए भी आपके दिल को छू जाता है। और अब बारी आ गई थी बटाटा पूरी की, तो हम सभी ने बटाटा पूरी खाया और एंजॉय किया। और ये देखिए लोग घोड़े पे बैठकर उसकी राइड ले रहे थे, और ये हमारे नदी मामा बटाटा पूरी एंजॉय करते हुए। सबने आइसक्रीम एंजॉय की, सबने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम ली और सभी आइसक्रीम एंजॉय करने में लग गए थे। और अब बारी थी चाय की, जिसे पीने के लिए हम सब घर से निकले थे। हमारे घर में चाय का एक अलग ही क्रेज है। लोगों को अगर आप 12 बजे रात में भी चाय बना के दोगे तो कोई नहीं ये कहेगा कि उसे नहीं चाहिए, सभी चाय जरूर पीते हैं। और ये देखिए हमारी चाय काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, सोंधी चाय थी, और मिट्टी की कुल्हड़ में चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। इसी तरह हम लोग काफ़ी देर तक इधर उधर मरीन ड्राइव पर घूमते रहे। और जब आप अपनों के साथ होते हो और उनके हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे देखते हो तो दिन को एक अलग ही चैन और सुकून मिलता है। फिर तो न रात का पता चलता है और न दिन की खबर होती है। तो ये वक्त कभी कभी ही हम सब की ज़िंदगी में आता है जब हम सब कज़न्स या हम सब अपने एक साथ होते हैं, या तो ये ज़्यादातर ये वक्त या तो किसी की शादी में ऐसे मौके आते हैं या किसी फंक्शन में जब सब लोग आपस में मिलते हैं। और अब बारी थी घर वापस लौटने की, तो हम सभी निकल पड़े थे। करीब रात के 2 बज रहे थे और हम सब घर वापस होने के लिए निकल चुके थे। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thank you.
कर लिए फिर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रखिए। और अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू अस।